सुनो जी साहब, पापा कहाँ हैं? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। बेटा साहब ने कहा है कि आप खाना खा लें, उनका मन नहीं है। आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। उनकी तबीयत तो ठीक है? बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। कल रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बस चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हैं। अचानक पापा को क्या हो गया? मैं देखता हूँ। पापा सब ठीक तो है ना? आज पहली बार आप एक साथ खाना खाने के लिए मना कर रहे हो। ऐसी कौन सी बात होगी आज? जिंदगी कट गई राजनीति का दाव खेलते हुए, लेकिन अपने घर की राजनीति को नहीं संभाल सका। ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? घर पे तो सब ठीक है। जानता हूं बेटा, चुपचाप देख रहा हूं। जब से सुजाता ने तुम्हें छोड़ा है, क्या हाल हो गया है तुम्हारा। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूं। बीते हुए बातों पर रोने से क्या फायदा डैड? जो होना था सो हो गया, और आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बात चिंता की नहीं है बेटा, मैं तो सुजाता को भी कसूरवार नहीं ठहराता हूं। हम तो शादी करना चाह रहे थे तुम्हारी बेटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बेटा। मैं और सुजाता, हम दोनों ही तुम्हें इस तरह उजड़ता हुआ नहीं देख सकते बेटा। पापा राघव, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा बेटा। किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। तुम्हें आगे चलना होगा बेटा, अपनी खुशी के लिए, सुजाता की खुशी के लिए। क्योंकि सुजाता भी तुम्हें खुश देखना चाहती है। लेकिन राघव बेटा, तुमने जो भी कहा मैंने वो माना, लेकिन क्या एक बार के लिए मेरी बात नहीं सुनना चाहोगे? पापा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारी जिंदगी की खुशी की भीख मांग रहा हूं बेटा। प्लीज मना मत करना। भावुकता के जाल में फंस गया। मेरी बातों का असर हो रहा है इस पर। अगर तू ऐसा रिएक्ट करेगा ना, तो जो शक तुषा के मन में है, तुषा के मन में है, वो यकीन में बदल जाएगा बेटा। मेरा डर सही निकला। राजदीप की जिंदगी में पहले भी कोई था, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कोई ऐसा सीक्रेट है जो राज को भी नहीं पता। क्या हो सकता है, और कौन जानता होगा इस बारे में? तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी बेटा। हमारी फैमिली, हमारी, उसका नाम, उसकी इज्जत सब तबाह हो जाएगा बेटा। मुझे राजदीप की बहुत फिक्र हो रही, लेकिन मैं क्या करूं? वो तो मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम सब बर्बाद हो सकते हैं? जी जी जी, मैंने उनसे बात कर ली है। जी हाँ, और मैथ साहब, मैं आपको एडवांस अमाउंट भेज रही हूँ, लेकिन ये डील कल तक फिक्स हो जानी चाहिए। अच्छा जी,
मुझे हर हाल में इस राज का पता लगाना होगा। मैं देख रही हूं जी, आपको इस घर की और अपनी बेटियों की जरा भी चिंता नहीं। अरे कुल, फिर शुरू होगी सुबह सुबह। यही तो मैं चाहती हूँ कि किसी दिन आप भी शुरुआत कर लें। आपको अपनी बेटियों की फिक्र है कि नहीं? सुजाता, तृष्णा और तानिया दोनों से बड़ी है, इसकी शादी कायदे से पहले होनी चाहिए थी कि नहीं? होनी को कुछ और मंजूर था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। जब से सुजाता की सगाई टूटी है, मुझे एक रात नींद नहीं आई, और आप है कि आपको कुछ असर ही नहीं है। कल से तो राघव का भी एक फोन नहीं आया। माँ, पापा का कोई कसूर नहीं है, प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए। कसूर है तो वो है मेरी किस्मत का, मेरे हिस्से में खुशियां लिखी ही नहीं है। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, तुझे क्या लगता है राघव कब तक इंतजार करेगा तेरा? देख बेटा, तू ऐसी अकेली बैठी रह जाएगी। तेरी विधवा दोष की वजह से तुझे लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। राघव तुझसे कितना प्यार करता है, क्यों अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से उजाड़ रही है? बस बहुत हो गया कुलराज, काफी सुना दिया तुमने। मैं जो भी कह रही हूँ सुजाता की भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या आप चाहते कि सुजाता जिंदगी भर घर में बैठी रहे? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अगर मैं इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। सुजाता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं हो सकती। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बेटियों पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। और रही बात समाज की, कुल उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। और सुजाता, तुम तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। सुजाता, दुखी नहीं करना चाहता था तृष्णा, जो कुछ भी कल रात हुआ वो सही नहीं था। कितना डर गई थी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तृष्णा सब भूल जाए। उसके होठों पर दोबारा से मुस्कान देखनी है मुझे, मुझे ही कुछ करना होगा। राजीव, वो टेंडर के कोटेशंस के बारे में कुछ बात करनी थी। राज, एक बात बताओ, तृष्णा को कैसी गिफ्ट पसंद? मैं तृष्णा को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या हुआ, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या?
राज, अपनी बीवी को गिफ्ट देना यही एक स्पेशल ओकेशन होता है। थैंक गॉड, राजदीप तृष्णा से अभी भी बहुत प्यार करता है। तृष्णा बेकार में ही डर रही है। राज, बताओ ना, तृष्णा को गिफ्ट क्या दूं? तुम उसके अच्छे दोस्त हो, उसे अच्छी तरह जानते हो, प्लीज हेल्प मी। राजदीप, तृष्णा अब तुम्हारी बीवी है, मुझसे ज्यादा तो तुम उसको अच्छे से जानते होगे। राज प्लीज बातें मत बनाओ, बताओ ना उसे क्या दूं, प्लीज। क्यों ना तो उसे एक डायमंड नेकलेस दे, आई एम श्योर उसे बहुत पसंद आएगा। मुझसे ज्यादा मेरी बीवी को तुम जानते हो। ऐसी कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, हर औरत की पहली पसंद हीरा है। जाएगी बेटा, हमारी फैमिली, उसका नाम, उसकी इज्जत, सब तबाह हो जाएगा बेटा। जब तक मुझे उस राज के बारे में पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं रह सकती। आखिर कैसे जानू उसके बारे में? राज भी उस बारे में कुछ नहीं जानता है। एल्बम, मुझे उसे दोबारा देखना होगा। कहीं जल्दबाजी में मैं कुछ इम्पोर्टेंट देखना तो नहीं भूल गई? हो ना, वहीं से कोई और रास्ता निकलेगा। रूम में नहीं है। कहाँ चला गया? लगता है मम्मा ने कहीं छुपा दिया है, मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। हेलो, मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको? आप सुबह बिना नाश्ता किए चले गए थे ना, मैं चाहती थी मैं आपको याद दिला दूं कि आप लंच टाइम पे कर लीजिए। वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तानिया, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें मेरी परमिशन
परमिशन की जरूरत नहीं है। जब चाहे फोन कर सकती हो। सॉरी, वो काम के साथ थोड़ा बिजी था इसलिए खा नहीं पाया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फोन रखते ही खा लूंगा। और हाँ तानिया, आज रात हम एक स्पेशल डिनर के लिए जा रहे हैं, मैं बुकिंग भी करवा दूंगा। डिनर पे? लेकिन राज, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत काम है। तानिया, मैंने कहा ना, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। पिछली बार तुमने प्लान किया था, इस बार मेरी बारी है। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। ओके बाय। मम्मा ने वो एल्बम कहाँ छुपाया होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं? मुझे कैसे भी करके उस एल्बम का पता लगाना होगा। ये धुआं कैसे है?